कोर्ट को जा, अब यहाँ पूरी कोशिश कर ली है गवर्नमेंट में, कुछ भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट चाह रही हमको रहना बोल के, मगर अब कोई कोर्ट को नहीं, वो लोग वीडियो में ये बोल रहे हैं कि जो ना सलीम साहब 29 मार्च 2019 को उनके कानून के हिसाब से जो आ रहे हैं गैर कानूनी आ रहे हैं वकबोट को, अब आपको मालूम उनको मालूम नहीं, उनकी वीडियो बोल रहे हैं कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं दिया कोर्ट, कोर्ट रह सकते बोल के वो कर दिया समझा 10 दिन के बाद, फिर काउंटर डाले बाद मालूम होगा वो सब क्या है सो, ये ऐसा है लैंड गिरा बना हूँ क्या है, कुछ सुधरना नहीं इसको कर लूँ कुछ तो भी कहीं तो भी कुछ भी होना बोल के है क्या, एक रुपए का लूपल नहीं निकाल सकते चेयरमैन के खिलाफ, अब ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे कुछ तो भी बोल के कोशिश में है, कुछ भी नहीं होता हो लैंड गिरा बना हूँ, जो है मैं जब से बैठा जब से कुछ पानी भी पीने नहीं मिल रहा हो लोगों को, तो ज़मीन तो छोड़ दो आप, और जब तक हम जो है ना इंशाल्लाह ताला किसी को वफ लैंड पे तो खाने तो नहीं देंगे हम, वो भी रहने दो बड़े से बड़ा आदमी रहने दो, हम छोड़ेंगे ना उसको, चेयरमैन रहो या ना रहो इंशाल्लाह ताला वफ माफिया जितना भी है उसको कुचल के रखेंगे इंशाल्लाह। रिपोर्ट चेयरपर्सन के कंटिन्यूएशन जो उन्होंने कर रहे हैं मार्च 2019 के बाद, बावजूद इसके के उन्होंने एमएलसी की हैसियत से उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, वफ एक्ट में यह है कि वफ एक्ट सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में ये वाजे तौर पे लिखा हुआ है इसके अंदर कि अगर कोई बोर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के हैसियत से इलेक्ट होता है, जब उसका टेन्योर एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर की हैसियत से ख़त्म हो जाता है तो उसको कोई इख्तियार नहीं वो एज ए मेंबर कंटिन्यू करे, जब उन्हें एज ए मेंबर कंटिन्यू करने का कोई इख्तियार ही नहीं है, तो कोई शख्स अगर एज ए चेयरमैन बेसिंग ऑन दी वक्फ बोर्ड मेंबर की हैसियत से कंटिन्यू कर रहा था और उसका टेन्योर ख़त्म होने के बाद उन्हें वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से भी ऑटोमेटिकली उसका पोजीशन सीज हो जाता है, तो जो शख्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर की हैसियत से ख़त्म हो चुका है वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप भी उसके ऑटोमेटिकली ख़त्म होती है, जब वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है तो चेयरमैनशिप भी ऑटोमेटिकली सीज हो गई है और इसके अंदर गवर्नमेंट को या कोई अथॉरिटी को आर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन उनकी मेंबरशिप ख़त्म होती है उस दिन ही उन्हें ऑटोमेटिकली कानून में लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन वेकेटेड दी मेंबरशिप ऑफ द बोर्ड, वंस ए मेंबरशिप ऑफ द बोर्ड हैज बीन वेकेटेड ही हैज टू बी वेकेटेड द चेयरपर्सन ऑफ द वक्फ बोर्ड, तो इस लिहाज से जो मौजूदा चेयरमैन है वो उन्होंने 29 मार्च 2019 के बाद से उनकी चेयरमैनशिप गैर कानूनी है, अगर कोई फैसले बहसियत चेयरमैन मार्च 2009 के बाद कोई भी चेयरपर्सन ले रहा है तो वो गैर कानूनी फैसले हैं जिससे वक्फ इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है और जो फैसले ले चुके हैं वो गैर कानूनी करार दिए जाएंगे, इससे वक्फ बोर्ड की जायदाद भी खतरे में पड़ सकती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी खतरे में है, इसलिए जो रिट पिटिशनर ये रिट पिटिशन डाले आज उसकी सुनवाई हुई वक्फ बोर्ड ये मैटर राजशेखर रेड्डी साहब ऑनरेबल जस्टिस राजशेखर रेड्डी साहब के इजलास पे आया, हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल अपीयर हुए, हियरिंग करने के बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि इसके अंदर कोई काउंटर की जरूरत नहीं है, मैटर इज वेरी मच क्लियर और जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने अपनी मेंबरशिप और चेयरमैनशिप खो चुके हैं, फिर भी एडवोकेट जनरल के इसरार पे काउंटर डालने के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया है, आज से 10 दिन के बाद मोशन लिस्ट में ये केस फिर दोबारा आएगा जो वक्फ बोर्ड और हुकूमत के काउंटर के लिए है जो फार्मली है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर कोई खास काउंटर की जरूरत नहीं है, कानूनी तौर पे मैटर बहुत ही क्लियर, केरला हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जजमेंट भी पिटिशनर की जानिब से डाला गया है और बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर बेंच का जजमेंट जो दोनों जजमेंट डिवीजन बेंच के हैं उसके अंदर वाजे तौर पे फैसला दिया गया है
कि अगर कोई एमएलए या एमएलसी की हैसियत से मेंबरशिप खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप भी सीज हो जाती है। 10 दिन का टाइम दिया गया।